सरसों की खली का महत्व मछली पालन में काफ़ी है, सारे किसान लोगों को पता है। लेकिन समस्या कहीं कहीं का यह है कि सरसों की खली मिलता नहीं है। बिहार में, यूपी में या फिर बंगाल वगैरह में तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन असम वगैरह में या और कई स्टेट हैं भारत में जहाँ पे सरसों की खली मिलते नहीं है, तो वहाँ के लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, बार बार फ़ोन करते हैं सर मेरे यहाँ सरसों की खली उपलब्ध ही नहीं है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि अगर आपके यहाँ भी सरसों की खली नहीं मिल पा रही है फिर आप क्या करें। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। मेरा काम आपके लिए छोटी छोटी समाधान बताना, जहाँ आपका प्रॉब्लम फंसता है वीडियो के माध्यम से उस समस्या का, उस प्रॉब्लम का निराकरण हम बताने का प्रयास करते हैं। और हमारा मछली के बच्चों का काम होता है, हजारों कस्टमर अपने हैं जो बच्चे हमसे मंगवाते हैं, मेडिसिन का भी काम होता है, वह भी हजारों कस्टमर हैं जिसमें से आप लोग भी वीडियो देख रहे होंगे। और याद आया कि मेरा बच्चे का काम है, इसका जिक्र कर रहे थे, तो आज भी हमारा बच्चा अवधेश कुमार सिवान के रहने वाले, हमारे पुराने कस्टमर हैं, चौथी बार बच्चा मंगवा रहे हैं, जहन कुमार बिलासपुर छत्तीसगढ़ के, इनका भी बच्चा जा रहा है। और आज छत्तीसगढ़ के तीन कस्टमर हैं, एक बिलासपुर के जहन कुमार और ये गौरव कुमार पटना के हैं, इनका भी बच्चा जा रहा है। तपन कुमार भुवनेश्वर के, इनका भी चौथी बार बच्चा जा रहा है। विश्वजीत सरकार कानपुर के रहने वाले, इनका सिंगी मछली का ऑर्डर है, इनका भी जा रहा है, कल शाम में मिल जाएगा इनको बच्चा। ओम प्रकाश पटेल यह दुर्ग छत्तीसगढ़ के रहने वाले, मृत्युंजय सिंह मुजफ्फरपुर बिहार के रहने वाले, दुर्गेश जी ये चांपा छत्तीसगढ़ के रहने वाले, मनोज कुमार गया बिहार के रहने वाले। बहुत बहुत बधाई हो बच्चा मुझसे मंगवाने के लिए आप लोगों का, कल सारे लोगों का बच्चा मिल जाएगा। जब हमारे दर्शक, हमारे सब्सक्राइबर यह वीडियो देख रहे होंगे, आप लोगों का बच्चा लोड हो रहा होगा और सारे लोगों को हम ट्रेन का नंबर रात के 9 बजे बता ही देते हैं, उस तरह से हम बता देंगे, बिल्टी आपके व्हाट्सएप पर भेज देंगे। ट्रेन का जो भी टाइम होगा उस टाइम पर जा करके अपने अपने रेलवे जंक्शन से आप लोग बच्चा उठा लेंगे। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा न करते हुए हम विकल्प बताने वाले हैं आपको। सरसों की खली अगर आपके पास नहीं मिलता है, सरसों की खली में काफ़ी प्रोटीन पाया जाता है जो मछलियों के ग्रोथ के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। कुछ हम चर्चा कर लेते हैं सरसों की खली के बारे में, किस तरह से आपके तालाब में आपकी मछलियों को यह फायदा पहुँचाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तालाब में सरसों की खली हम डालेंगे, इसका छिड़काव करेंगे फुला करके, तो यह नीचे जा करके मिट्टी में बैठ जाएगी। वैसा नहीं होता है, यह तालाब के पानी में घुल जाता है और मछलियां इंटेक्ट करती है इसे, इसे खाती है, अपना भोजन बनाती है। दूसरा, अगर कुछ परसेंट सरसों की खली का कुछ परसेंट हिस्सा अगर तालाब के नीचे मिट्टी में जा करके बैठ भी जाती है, वहाँ इकट्ठा भी हो जाती है, तो उससे तालाब में आपका प्लैंकटन बनता है। तो दो तरफ से आपको फायदा मिलता है सरसों की खली का। तो ये तो सरसों की खली का फायदा हो गया। रह गया कि अगर आपके यहाँ, आप जहाँ से वीडियो देख रहे हैं या फिर जहाँ से मछली पालन कर रहे हैं, आपके यहाँ सरसों की खली अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, उस पोजीशन में आपको क्या करना चाहिए? प्रोटीन का दूसरा वह स्रोत कौन सा है जिसे आप मछली को खिला करके जिस तरह का ग्रोथ सरसों की खली से मिलता है उसी तरह का ग्रोथ आपको मिले, इस पर हम चर्चा करते हैं। यह दो चीज़ और हम आपको विकल्प उसका बताने वाले हैं सरसों की खली का, एक सोयाबीन का खली और दूसरा मूंगफली का खली। जहाँ पे जिस स्टेट से भी वीडियो आप देख रहे हैं वहाँ अगर सरसों का खली मिल रहा है तो वहाँ के लोग सरसों की खली अपने मछलियों को दे, जहाँ मूंगफली का खली मिल रहा है वहाँ आप मूंगफली की खली बड़े आराम से अपने मछलियों को दे सकते हैं, और जहाँ पे सोयाबीन की खली आसानी से उपलब्ध हो जा रहा है वे लोग सोयाबीन की खली भी मछलियों को निसंकोच खिला सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। और ऐसा नहीं है कि फ़ायदा भी आपको कम मिलने वाला है, जितना सरसों की खली का फ़ायदा मिलेगा उतना ही मूंगफली और उतना ही सोयाबीन की खली से आपके मछलियों को फ़ायदा मिलता है। अब रह गई बात कि जब हम सीधे सीधे IMC का पालन करते हैं अपने तालाब में, तो सरसों की खली का महत्व काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है, चाहे सोयाबीन का खली हो या फिर मूँगफली का खली हो, परंतु इसे उपयोग करने का विधि सारे लोगों को मालूम नहीं है। होता यह है कि कुछ ऐसा कम्बिनेशन हम बताते हैं, जैसे हम बताए हैं अभी अभी बताए हैं कि सरसों की खली जब आप तालाब में डालते हैं आपकी मछलियाँ उसे इंटेक्ट करती हैं, भोजन के रूप में लेती हैं, जो बच जाता है उससे तालाब में प्लैंकटन बनता है, तालाब की पानी और मिट्टी दोनों उपजाऊ बनती है जिससे प्लैंकटन बनता है। परंतु अगर आपको प्लैंकटन सही से बनाना है और जब आपकी मछलियाँ छोटी रहती हैं तो भी बड़ी रहती है, फिर भी मुख्य जो भोजन है वह तालाब में बना हुआ प्लैंकटन ही है, आप ऊपरी आहार जो कुछ भी देते हैं उससे ज़्यादा फायदा उस मछली को, आपके तालाब में पल रही मछलियों को प्लैंकटन से ही ज़्यादा फायदा मिलता है। तो आपको यह हर समय प्रयास करना चाहिए कि आपके तालाब में प्लैंकटन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कैसे बने। तो उसके लिए सरसों की खली है, उसके लिए गाय का गोबर है, उसके लिए आप सिंगल सुपर फॉस्फेट मिलवाएंगे SSP, उसके लिए आप यूरिया मिलवाएंगे,
और उसके उसके साथ आप ईस्ट पाउडर ज़रूर मिलवाएंगे और मिनरल मिक्सचर पाउडर ज़रूर मिलवाएंगे। सारे चीज़ों को, जितने चीज़ों का हम नाम बताए हैं अभी अभी, एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे। गाय का गोबर लेना है, सरसों की खली या फिर मूंगफली की खली या फिर बादाम की खली ये लेना है, या फिर सोयाबीन की खली इसको लेना है, और उसमें ईस्ट पाउडर मिलाना है, सिंगल सुपर फॉस्फेट मिलाना है और मिनरल मिक्सचर पाउडर मिलाना है। इस सबको एक ड्रम में लेकर के सड़ने के लिए छोड़ देना है एक सप्ताह के लिए, और फिर आपको अपने तालाब में डालना है। इसके बाद आप देखिए कि आपकी मछलियों को कितना अच्छा ग्रोथ आता है, कम समय में बेहतर ग्रोथ आएगा, क्योंकि यह जो आइटम है इससे आपके तालाब में प्लैंकटन काफ़ी मात्रा में बनेगा। अभी जब तक धूप निकल रहा है, ठंडी नहीं आ गया है, तब तक यह प्रोसेस आप कीजिए। यह सितंबर ख़त्म होने वाला है, सितंबर अक्टूबर नवंबर तक, 15 नवंबर तक कम से कम यह कार्यक्रम आप कर सकते हैं। महीने में 4 बार इस तरह की प्रक्रिया आपको अपनानी है, 4 बार तालाब में डालना है, फिर आपका ग्रोथ मछलियों का काफ़ी बेहतर आएगा। अब आप पूछते हैं कि ये ईस्ट पाउडर कहाँ मिलेगा और मिनरल मिक्सर कहाँ मिलेगा। स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है, यानी कि वह मेरा नंबर है, आप उस पर कॉल करिएगा, आप पेमेंट करवाइएगा, अपना एड्रेस प्रूफ दीजिएगा, हम आपके यहाँ तक भेजेंगे। एक सप्ताह के अंदर अंदर आपके घर पे पोस्टमैन डाकिया ले जा करके पहुँचा देगा। वीडियो पर यहाँ तक मेरे साथ कदम से कदम मिला करके चलने के लिए, वीडियो ध्यानपूर्वक देखने के लिए, मेडिसिन मंगवाने के लिए, मछली के बच्चे मंगवाने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।